हेलो फ्रेंड्स, समर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए खड़ी मूंग दाल की न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मूंग दाल 1 कप हमने लिया है और इसे 4 घंटे पहले भिगो लिया था हमने। अब इसमें डालने वाले कुछ मसाले देख लेते हैं। एक टमाटर लिया है मैंने, एक प्याज लिया है और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इसे ग्राइंडर में हम पीस लेंगे। गैस में मैंने कढ़ाई रखा है, इसमें 1.5 टेबल स्पून तेल डाल लेंगे और एक प्याज को मैंने बारीक कट करके लिया है, इसे डाल लेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हल्का फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 5 हरी मिर्च डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो थोड़े से प्याज हम एक बाउल में निकाल के रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें जो मसाले पीस के लिया था, इसे डालकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें फिर से कुछ मसाले डाल लेते हैं। जैसे मैंने 2 तेज पत्ता लिया है और 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी है। ये इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग पानी डालेंगे और मसाला को हम 5 मिनट और फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। भी हमारा मसाला अच्छी तरह से भुंज गया है, तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें जो मूंग दाल को लिए हैं, इसे डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसे हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट अच्छी तरह से भूंजेंगे, ताकि जो हमारा मूंग दाल है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल लेंगे। 1/2 ग्लास पानी डालने के बाद इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। मैंने इसे गाढ़ा ही रखा है। अगर आपको इसका ग्रेवी पतला पसंद है तो आप पतला कर सकते हैं, लेकिन ये गाढ़े में ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती डालकर इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंग दाल की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें लिखकर ज़रूर बताइए।